sex na yan. Yeah, I think. Okay, ay magwalo. 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 Puro yung kumahan. Puro kumahan. इसलिए कि ये कुमार ऐसे भी होते हैं जो गुनाह है, तो ये पहली बात एंडिंग के मैं सुनती बुरा कुमार ना रखो। बाद कुमार ऐसे होते हैं जो गुनाह है, फिर आगे फरमाया कि तफ्तीश न करो, क्यों ना करो, हालात जानने के पीछे न पड़ो, बोला तदस्स फिर फरमाया फिर गीबत न बाल लोग बालों की गीबत करते हैं, फरमाया ये न करो। फिर इसकी बुराई बताई कि क्या तुम्हें पसंद है कि तुम गोश्त खाओ अपने भाई का मुर्दा, क्या ये तुम्हें पसंद है। फिर मैं अगर तुम्हें यकीन इससे ग्राहत करो, यकीन इससे ग्राहत करो, और फिर फरमाया कि अल्लाह से करो, और फिर फरमाया कि अल्लाह के परेशान माफ करो। इसमें काफ़ी माशरती अहकाम हैं, साइंटिफिकली खूबसूरत गुजरात में, लेकिन जो बड़ा हमको मैं इसके अंदर डिसिप्लिन बनाई अल्लाह ने ऐसे बयान की है कि इंसान खौफ ज़्यादा हो जाता है। क्या तुम में से कोई उसको पसंद करता है कि आपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो गीबत को इससे दुश्मन भले भी सुनाया जाती है, तो इधर ऐसा पसंद नहीं करता। तो गीबत क्या है? गीबत की तारीफ, गीबत ये है कि आपने किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐप उसकी गैर ऐप को बयान करना और वो ऐप उसमें है, ऐप उसमें है, उसको उसकी गैर इसका नाम भी इसका नाम। जब कोई अपने मुसलमान भाई का ऐप ध्यान करता है तो उसमें चार हाल में शहर लिखते हैं, फिर चार हाल में से खाली नहीं। एक ये कि बयान करने वाले का ये बयान करना कुफर में भी हो, कुफर भी हो सकता है, शीतल ऊपर कैसे हो सकता है कि अगर कोई पूछिए कि जनाब ऐसा तो नहीं कह दे, और ये कहे कि आप क्यों बुराई कर रहे हैं, और ये कह दे सच है, सच मैं सच बता रहा हूँ, ये सच है। किसी को सिद्ध करना नहीं समझ, किसी की सच्ची बात सच्चा है बताना, तो जिससे मना किया गया है उसकी मुखालफत करो। अगर अगर मना किया है सच्ची बात ना बताओ किसी की गैर ये कहे नहीं मैं बता रहा हूँ सच्ची बात, तेरी ऊपर में दाम नहीं, तेरी अल्फाज दूसरी हालत क्या है मुनाफ़िक़ कि जानता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वजह से किबर से या दुश्मनी से उसकी बुराई बयान करता है, तो इसको मुनाफ़िक़ करता है, जानते हो कि उसमें नहीं
बड़ा दर्जा बड़ी खराब चीज ये है कि कोई कह दे कि मैं सच कह दूँ, अक्सर कह दे मौलवी साहब ने कहा कि काम होता ऐसा ऐसा ऐसा, और मौलवी साहब को किसी ने कहा कि नाते गीबत है और ये आगे से अगर हमने ये कह दें तो मैं तो सच की बात कर रहा हूँ। ये कलमा के ऊपर कहना है ने इस सच्ची बात के पर मना किया, तो मना होना चाहिए क्या कहना चाहिए मैं करूँगा तो में चला गया। तीसरी कीमत यह है ना, तीसरी हानि है कि वो वाकई उसमें बुराई है और ना भूले कि मैं सच कह रहा हूँ क्या मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे उसकी गुनाह करे फिर ये सिर्फ गुनाह और गुनाह कबीरा कहता है, और ये गुनाह कबीरा इंतहा खतरनाक है क्योंकि इसमें हुकूम की बात भी है और अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमान है। अल्लाह तो फरमाते हैं कि गरीबत ना करो हुक्म ने कर दी गुनाह हो गया, और जिसकी गलती अब जब तक उससे माफ़ी ना मिले तो बुकल इस बात का मसला उस वक्त तक अब उस गुनाह से माफ़ी तो नहीं मिले, अल्लाह से तो रोक तो माफ़ करा सकते हैं लेकिन उस वक्त उस शख्स से माफ़ी माफ़ी करें। ये चार चौथा दर्जा है कि भाई ऐसे शख्स की वो करना जो खुला खुला नुकसान पहुँचा रहे तो उसके इस नुकसान पहुँचाने को बयान करना तो ये लागत इसकी इजाज़त है जिसकी कि लोगों को उसके शर से बचाया जाए। इस एक आदमी है लोग जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो बाद में ताले खा लेगा तो इसका बताना चाहिए कि कोई भी पैसे बना वो खा सकता है वो खत्म कर सकता है और वाक्यात ऐसे और भी बड़े ऐसे तो किसी ऐसे शख्स को बयान करना किसी शख्स की तरफ से जिससे मकसद उसको बचाना हो इसकी शिद्दत जारी है। और गीबत क्यों की जाती है ये भी बड़ा अहम मसला है, गीबत क्यों की जाती है इसमें सबसे खतरनाक है कीमत करने वाला बेआबरू करता है। क्या करते हैं अपने मुसलमान भाई को एक मजमे में या किसी के सामने उसकी इज्जत को खराब करना, किसी को बेआबरू करना तो शरीर में इसकी फरमाया सूद की सबसे कम दर्जे का जो सूद है वो ऐसे है जैसे माँ से उठाता है, कीमत ऐसे है जैसे बदतरीन बेआबरू करना ऐसे है जैसे बदतरीन। और जो मुसलमान को बेआबरू करता है ऐसी जगह पर या कोई दूसरा कर रहा है और वहाँ वो उसको डिफेंड नहीं करता बताता नहीं लोगों को ऐसा नहीं है इसको ना किया जाए तो अल्लाह जो रचना कर ऐसे मौके पर जब उसको जरूरत मदद बेआबरू करना इसकी जो इतनी वाइटे हैं किसी की इज्जत को खराब करना करना तो है कि किसी की इज्जत को इसकी कोई भी वजूहत कर सकते मेरी इज्जत हो ये फिर तकबुर में आए तो मैं बेहतर हूँ और वो बेहतर हूँ अगर ये जज्बा है तो ये तकबुर से लाएगा अपने आप को बेहतर समझना खाना खाई होने शैतान के अल्फाज मैं उससे और तकबर लड़ाई के दाने जितना तकबर रखने वाला जन्नत में बेहतर तो ऐसे कई देर में बातें जब जो गीबत करने वाला है क्या गीबत करता है तो इसलिए कोशिश ये की जाए
ना भी और उसकी बुराई भी बता दी। अब इसके बड़े बुजुर्गों के बाद ज्ञान हैं, सिखाए हैं। एक बुजुर्ग सुनाते हैं, अगर मैं गीबत करूं तो अपनी माँ की करूँ। किसी ने पूछा, हजरत ये क्या? मैं इसलिए नेकियां देनी पड़ेगी तो किसी और को क्यों मिले? तो जब हिसाब किताब होगा तो चलो देखते हैं, देने पड़ेंगे तो चलो फिर माँ को मिलते। एक बुजुर्ग को किसी ने कहा कि फला आपकी कीमत, उन्होंने फौरन मिठाई मंगाई, टोकरा उसके घर परिवार भी बड़ा ऐलान कर रहे, मिठाई का टोकरा मिल रहा है। क्यों आया? कि तुमने हमें अपनी नेकियां दे दी, आपने उसके बदले में हमें मिठाई दी। तो ये मतलब नेकियां बाहर खास देनी पड़े। एक मेरे प्रोफेसर साहब मेरे साथ मान ली कि आप के अंदर रहे हैं एंड ठीक है, तो कहने का मुझसे बड़ी दफा बात हुई आपके गैर मुल्क में आपके बारे में मुझे माफ कर। तो मुझे है कुछ कम अज कम ये है अपने डर है जब आपकी नाम की तो देखियाँ देने को है तो भाई जो कीमत करे वो फिर किसी तरीके से अच्छे तरीके से उस वक्त तक नहीं बचेगा उसके बवाल से जब तक के माफ़ी न मांगे और ऊपरी बात तो वो फिर अच्छे तरीके से बात मांगे। ये ना पता है कि पहले की हिम्मत थी तो नारा जो होती है बस मैं उससे बताई होती वो पहला हमारे ऐसे हैं मेहमान लोग एक किसी को गाली भी लेते तो कहते हैं हजरत ना करें ना करें, कहीं मुझसे आपकी वालदा साहब को भी शान पर गुस्ताखी ना हो जाए। गाली देना इतना बड़ा गुनाह है। बताऊँ तो अगर देखा जाए तो शायद गीबत बहुत बड़े गुनाह और इतने वाकियात हैं हदीसें हैं इसके बारे में कि आदमी हैरान होता है। एक साथ चले गए मजलिस से तो पीछे से किसी ने उनके बारे में मुलाकात कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जाओ और खिलाल करो। अब वो साहब कहने लगे कि खिलाल किस लिए? मैंने तो ऐसी कसरत से ऐसे वाकयात अगर सोचे मैं लिख के लाऊं, अब मुझे लिखना और लिख के पढ़ना मेरे मुश्किल हो जाता है। लेकिन बादल गीबत जो है किसी ने मुझे कह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत क्या है, फरमाया कि कोई ऐसी बात कह दो जो उसके अंदर है पसों बता बुराई है वो कहना वो कीमत है। तो कहने वाले कहा और अगर बात अगर ना हो तो फरमाया फिर तो भुगतान कीमत नहीं भुगतान। यानी किसी पे ऐसी बुराई किसी के बारे में करना नहीं है तो ये गीबत से बड़ा गुनाह है कि भुगतान कर। और जो लोग कबाल या नंबर पिछला रहते हैं मैं उसको उसको कह रही हूँ तो गीबत से तो करीब भी नहीं जा रहा चाहिए। अब उसे बचने का कहते उसे बचने का तरीके लिए है कब कोई ना बातें की है हमारे मजालस में तो पात्रों के अलावा मजलिस नहीं होती
मुसलमान की तो मजलिस ऐसी हो कि बात में अल्लाह की याद में रहे, तो बातें यहाँ ज़्यादा की जाती हैं वहाँ पर भी। तो अब मैं आप लोगों को तो नहीं कहता, आप तो अच्छे लोग हैं, वनवाए कलाम हैं, अच्छी आदात हैं, लेकिन जो हमारा तबका है, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, उसको मेरा ख्याल है कि 24 घंटे में 12 घंटे कपड़े लगाते हैं, क्या करते हैं कपड़े, और उन कपड़ों में सोए भी मत भी कुछ है उसकी बात, वो फलान या कितना फलान था, मैं तो फलाऊँगा ये जब अंदाजा करें कि कितना ज़्यादा इसका गुनाह समझते हैं कि 12 घंटे कपड़े और 12.5 घंटे सोए की मत भी कुछ है। ये हमारे नौजवान खासतौर पर ताल के टीचर भी हमारे फीवर से बचना, तो भाई वही बचेगा जो बोलेगा, जो अपने बोल को कंट्रोल करेगा वो भी बस, बोल को कंट्रोल करना, और जो अल्लाह से मोहब्बत करे, जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो डरेगा, भाई डरो अल्लाह की जात से, वो फिर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है वो डरेगा और अपने आप अपनी हिफाजत करेगा गीबत से, मोहताज से, और ऐसी बात को स्वीकार करके जो नाफरमानी का। जुबान के बारे में तो सुनाया कि जो मुझे इसकी जुबान रखी थी वह उसके लिए जन्नत का नाम, जो दो जंगलों के दरमियान में है और जो दो रातों के दरमियान पशुओं के कारण, तो जन्नत का मैं था जो आपकी जुबान की इच्छा, जुबान से जो बोला जाता है उसका असर दिल पर पड़ता है, तो अपनी जुबान को हमारे कहने लगे इस ज़माने के दो बुझाकार अगर तुम कर लेकिन कौन सा बुझाता है, कहते खाने का नहीं सोने का नहीं, अच्छा कौन सा बुझाता है, तो वह पहला बुझाता है किल्लत कलाम, अगर कोई इस पर आ जाए तो ये किस ज़माने में अल्लाह से दोस्ती लगाने के लिए बुझाता है, अल्लाह ना दोस्ती ना लगा अभी अपना जो हमारी खातर मुजाहदा करें, तो इस ज़माने का बड़ा मुजाहदा क्या है किल्लत कलाम, कम बोल, बड़ा सलसल देखना पड़ता है अपने आप को, मैं ना बात हूँ रुक जाऊँ जवान होते हैं, और दूसरा मुजाहदा है किल्लत इख्तलात मान हवा, लोगों से कम से कम मिलना, ये मिलना ही जरिया बनता है कीमत का, फसाद का, झगड़े का, बार बैठा सुन जाए तनहाई तैयार कर, तो इस जमाने में जो नेकोकारी जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए खाने का मजादा नहीं कि भूखा रहे, ना ये मजादा है कि सोए ना प्यासा रहे, ये दो मजादा ये वो कर लेगा तो इस ज़माने में वलायत हासिल करेगा, अल्लाह से दोस्ती हासिल करेगा, किल्लत कलाम और किल्लत इख्तलात माल हवा, कम से कम मुलाकात है सोए की जैसे आपकी मजालस हैं, बंदी दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, इन वसी मजालस हैं, इसके अलावा आता है कि मजलिस का कफारा इसलिए काम दे तो मजालस में अक्सर हो जाते हैं, तो उन्हें कोई तो हमारा उसको कफारा यह है कि ये दुआ करो सुभान अल्लाह जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऐसे जैसे मरे हुए गले से ऐसी सारी मजालस से बचना जिसमें अल्लाह की याद न हो, और अगर मजलस हो तो दुआ पढ़ के बचाना अपने आप को, तो अपनी जुबान की हिफाजत से ज़्यादा अहम है कान की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत, जिसे दूसरे से सुनना भी उतना ही गुनाह है, एक है खुद की गीबत करना, एक ही जगह कीमत हो रही है और सुन रहे कान लगा, हाँ जी बताऊँ क्या खर्चा वो भी करो,
दोनों बराबर है, सुनना भी मना की बस। तो भाई मुसलमान भाई बेआबरू हो रहा है और आपको अंदर वो तो फिर वाजिब हो जाता है उसको डिफेंड करना, उसके बारे में कहना कि ना ना ऐसा नहीं है, इस्लाम जो है उसको भूल गया। तो भाई अल्लाह जल्ला शानु हमेश कर मुश्किल था तो तैयारी करनी चाहिए थी, इसकी नहीं कर सकती। तो हमारा चंद बातें कह दी हैं, अब ये दवाई है अल्लाह हमें कोई इससे बचने की तफी की में से बात है। Thank you.